हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड बाउल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी इस तरह कटी हुई, दो प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। और हमें मसालों में चाहिए गरम मसाला एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, जीरा एक चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच और तेल तीन चम्मच। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। ये हमारा पैन गरम हो चुका है और अब हम पैन में तेल को गरम होने के लिए डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। और जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए, हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इसको इस तरह से चला लेंगे। जैसे ही हमारी हरी मिर्च हल्का सा लाल हो जाए, हम उसमें जो हमारी भिंडी कटी हुई है वो डाल देंगे। और इसको चलाते रहेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हम इसको चलाएंगे। और जैसे ही हमारी भिंडी हल्की सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें नमक डालेंगे। अब ये देखिए हमारी भिंडी हल्की नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। और इसको इस तरह से मिला लीजिए। नमक डालते ही जो हमारी भिंडी है वो और ज़्यादा नरम हो जाएंगी और जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। अभी हमारी भिंडी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए बारीक प्याज डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाला अपने आप में इसे बहुत स्वादिष्ट बनाता है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे सारे मसाले अच्छे से सूख जाएं। देखिए मसाले अच्छी तरह से फिट चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। और साथ ही साथ हम डालेंगे धनिया पत्ता जो हमने काट रखे थे। धनिया पत्ता इसको और ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और अब हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी भिंडी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा भिंडी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे पराठा चपाती के साथ खा सकते हैं। और बताइए कि मैंने कैसे बनाया है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।